हेलो नमस्कार जी, आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन नॉलेज टीवी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी भाई? अभी अभी 10 मिनट पहले ही IMD, जी हां, मौसम विभाग की तरफ से बहुत बड़ी चेतावनी जारी की गई है। 2 घंटे बाद से लेकर आने वाले 3 दिन तक, जी हां, सावधान रहें। किन किन स्थानों पर आएगी तेज़ आंधी व तूफान व भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। ये तमाम जानकारी आपको दूंगा। किन किन राज्यों की जो लिस्ट है वो आ चुकी है, किन राज्यों के और किन ज़िलों पर भारी रहने वाले हैं 2 घंटे के बाद से ही, ये 2 से 3 दिन तक। जी हाँ, 250 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवाएं चलेंगी व तेज़ तूफान, काली पीली आंधी आने की भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं भारी बारिश भी होगी। काफ़ी ज़्यादा ऐसे इलाके हैं जहां पर भाई ओले गिरने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। तमाम जानकारी आपको मिलेगी, अंत तक देखें वीडियो को। वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मौसम विभाग से संबंधित प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ किन किन राज्यों पर खतरा है। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट है। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से जहां पर तूफान व तेज़ आंधी आने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की तरफ से लगातार अपडेट दिया गया है कि आने वाले, आज 19 हो चुकी है, 20 और 21, जी हां, राजस्थान में बारिश का जो वह तूफान का जो दौर है वो आने वाले 2 घंटे के बाद से ही शुरू हो जाएगा। कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर तेज़ ओले गिरने की संभावना भी जताई है। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, जहां पर आने वाले 2 घंटे के बाद हल्की बारिश व तेज़ तूफान की संभावना जताई है। वही मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर तेज़ गर्म हवाएं भी चलेंगी, जहां पर लू भी चलेगी, जिससे वहां की जो हवा है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा हीट वेव का भी सामना अब लोगों को करना पड़ेगा। और काफ़ी सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको कुछ ठंडक मिल सकती है। तेज़ हवाएँ, तेज़ ओले व तेज़ तूफान की कौन कौन से राज्य मैं आपको बता चुका हूं। और मैं आपको मध्य प्रदेश की हाल बताता हूं जहां पर तेज़ बारिश के साथ ओलावृष्टि होगी। ठीक है भाई, कौन कौन से ज़िले हैं मध्य प्रदेश के? वैज्ञानिकों के अनुसार आज 19 अप्रैल वहीं तकरीबन 20 और 21 एक या दो दिन तक लगातार यहां पर तेज़ हवाओं के साथ तेज़ तूफान व ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। वहीं हम हरियाणा की बात करें, जी हां, हरियाणा में आज और कल गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना भी जताई है। और जहां पर लू चल रही है वहां पर कुछ आपको राहत भी मिलने वाली है। भाई कौन कौन से ज़िले हैं हरियाणा की जिसमें हम बात करेंगे? भाई हरियाणा के रेवाड़ी, यमुनानगर, उसके साथ साथ फरीदाबाद, सटे गुड़गावां, दिल्ली NCR के एरिया जहां पर बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं हरियाणा के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर तेज़ तूफान भी आने की संभावना है, जो कि राजस्थान से लग से इलाके हैं। वहीं हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ आंधी व छिटपुट बारिश होने की संभावना भी जताई है। आज 19 अप्रैल हो चुकी है, 20 अप्रैल और 21 अप्रैल, जी हां, जहां पर तेज़ बारिश होने की संभावना भी जताई है और कहीं कहीं इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं। जी हां, IMD के मुताबिक इन पश्चिमी विपोक के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के विभिन्न इलाकों में 19 तारीख से 21 तारीख के बीच, जी हां, अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ आंधी व तूफान होने की संभावना जताई है। वहीं हम बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में भी तेज़ गर्मी लोगों को परेशान जरूर कर रही है, लेकिन अब अप्रैल के अंतिम तक, जी हां, आज से लेकर अप्रैल के अंतिम तक लगातार बारिश व तेज़ तूफान का दौर शुरू हो जाएगा,
जी हाँ, कौन कौन से ज़िले हैं जिसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन में भी बारिश होने की संभावना जताई है। गर्मी का असर जरूर रहेगा, लेकिन कुछ आपको राहत जरूर मिलेगी। और किन किन ज़िलों में रहेगी तेज़ आंधी तूफान? जी हाँ, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, उसके साथ साथ झाबुआ, रतलाम, थार, खंडवा, हरदा, उसके साथ गुना, ये जो डिस्ट्रिक्स हैं यहाँ पर तेज़ आंधी आने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आज भोपाल में न्यूनतम तापमान 39 व अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक रह सकता है।